हम सब अपने अच्छे और सुरक्षित भविष्य की कामना करते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई बार ये प्रयास चिंता में बदल जाता है कि हमारा आने वाला कल बेहतर और सुरक्षित है भी या नहीं। और यही सोच इंसान के विश्वास को इतना कमजोर बना देती है कि वो ये भूल जाता है कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अच्छे कर्मों की नहीं बल्कि अच्छी नीयत की भी जरूरत होती है। तेरे आंसू तेरा पति तुझे दिला रहा है। 6 महीने से एक रति की बाहों में तेरे प्रेम और विश्वास की बलि चढ़ा रहा है। माँ, आप तो सब जानती हैं ना, तो कृपया कर ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पति उस वेश्या के चंगुल से छूटकर मेरे पास आ जाए। लतिका, लतिका, कहाँ चली गई? अरे भैया, मेरी बच्ची लतिका साइकिल चला रही थी, आपने देखा उसे? साइकिल यहाँ तो कहाँ चली गई? अपने पति के जूतों पर ये दिव्य धूल छिड़क ताकि उसके बहके कदम सही मार्ग पर आ जाएंगे। और ये ले वशीकरण रत्न, इसे सोने में जुड़वाकर अपने गले में पहन ले। अपना आशीर्वाद दीजिए। जय कस्तूरी माँ। कल्याण हो। देखिए ना, वहां पर बहुत भीड़ है। मेरी यहाँ आइए, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगी ना। नहीं नहीं, मैं वेट कर लूंगी, मैं चलती हूँ। दिव्य धूल 1100, वशीकरण रत्न 5100 और माँ का परामर्श 2100 रुपये, टोटल 8300। आती थी आपने लतिका को देखा? वो कोई मिल नहीं रही है। मिल नहीं रही है मतलब? अभी थोड़ी देर पहले घर के बाहर साइकिल चला रही थी, साइकिल मिल गई है, लेकिन लतिका नहीं मिल रही। तो सोच क्या रही है? पुलिस को फोन लगा? पहले एक बार मैं माँ को पूछ लेती हूँ, शायद माँ को कुछ पता होगा। माँ, लतिका कहीं मिल नहीं रही है और उसकी साइकिल घर के पास मिली है। सुकन्या शांत हो जाए। ना बेटा, सर हम थोड़ी भी देर से आते ना तो मार डालता ये बच्ची को। चल सर, मेरी बात सुनिए आप। इसकी एक बात मत सुना सर। बस आप चुप रहिए। आप सर, लतिका बेटी है मेरी, क्या एक बाप को अपनी बेटी से मिलने का कोई हक नहीं है? बेटी है सर वो मेरी। ठीक है, तू लतिका का बाप है, लेकिन तेरी बीवी ने तेरे खिलाफ शिकायत की है। तेरी बेटी लतिका को तुझसे जान का खतरा है। सर ये सब उस पाखंडी औरत, उसकी भविष्यवाणी का नतीजा है। मतलब ये सर कि उसने सुकन्या को भड़काया कि मेरे हाथों किसी कन्या का खून होगा, इसलिए 6 महीने पहले वो लतिका को लेके उसके पास चली गई। कस्तूरी के पास? जी सर, कस्तूरी ही सुकन्या की माँ है। वो मुझे मेरे बीवी बच्चे दोनों से मिलने नहीं देती सर। हमने कहा था ना बेटा, ये माला कभी भी अपने गले से मत उतारना। सुनो, उसके साथ फिर कभी मत जाना। हाँ, पर नानी पापा बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, पापा ना शैतान है, वो जो होते हैं ना परियों को पिंजरे में कैद करने वाले, वैसे वाले। और सुनो, इसके पहले कोई अनहोनी हो जाए चौकन्नी रहना। बेटा आप चलो नानी के साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
चलो। सुकन्या, तूने एक भविष्यवाणी पर विश्वास करके अपने पति को छोड़ दिया। तुझे क्या लगता है कि तेरा पति तेरी बेटी को मार देगा? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि इस भविष्यवाणी को एक साल हो गया है, लेकिन समर ने किसी का खून नहीं किया। कहीं ये भविष्यवाणी कोई भ्रमजाल तो नहीं है? मतलब? मतलब ये कि मैं भी एक भविष्यदर्शी हूँ। अगर मुझसे नहीं तो किसी और भविष्यदर्शी से इस भविष्यवाणी की जांच कर ले। लतिका, अभी होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, चलो पढ़ाई करो। मम्मा, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे खेलना है। पढ़ाई नहीं करोगी तो फेल हो जाओगी। हमारी लतिका कभी फेल नहीं होगी। नानी, इस साल हमारे लतिका के 100 में से 70 नंबर आएंगे। ये देखा मम्मी, इसलिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। अतुल जी, इसकी मास्टरनी हमसे अपना भविष्य जानना चाहती थी ना, एक काम करो, उसे अपॉइंटमेंट दे दो। हाँ हाँ, और उसे अच्छे भविष्य के सपने दिखाकर लतिका को पास करवा लोगे आप, है ना? लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इससे लतिका के भविष्य का क्या होगा? हमने क्या फैसला किया था आरती? हमारे धंधे को लेकर घर पर झगड़ा नहीं करेंगे। घर पर हूँ इसलिए घर के सदस्य की फिक्र कर रही हूँ। लतिका मेरी भी कुछ लगती है। लतिका के सामने तमाशा मत करो आरती। लतिका, अपने नानी की कहानियां बड़े चाव से सुनती है ना, अपनी मासी के साथ लूडो खेलेंगी? लूडो? यस। चल, लूडो ही खेलना, कुछ और मत सिखाना इसे। हाँ ठीक है, मिलती हूँ। ओके आज। आरती, जरा गैस जला दे। माँ, तुम्हें काम करना, अपनी वसीयत में ये लिखवा लेना कि मेरी चिता ना जलाई जाए। तू तो मेरी समाधि के इंतजार में ही बैठी है ना, ताकि मेरी गद्दी पर बैठकर अपनी दुकान चला सके। दीदी, ये मत भूलिए, ये आपकी माँ है। लेकिन ये हमें अपनी बेटियां नहीं मानती, और जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा ना, उस दिन तुम अपना सब कुछ खो चुकी होगी। माँ, इनमें इतना जहर क्यों भरा है? कैसी बातें करती रहती हैं ये? जाने देना सुकन्या, वो मेरे साथ नहीं हुई तो क्या हुआ, तू तो मेरे साथ है ना। आप बैठो ना, ये सब काम मैं कर देती हूँ। अरे अरे, आप बैठो। मुझे यह अनहोनी किसी भी तरह से टालनी होगी। कहाँ चले गए? आरती जी, आपने कस्तूरी माँ का रतन चुरा के अच्छा नहीं किया, आज उसे कस्टमर को देना, बताओ कहाँ है? एक मिनट, तुम्हें क्या मैं चोर लगती हूँ? तुम मम्मा को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। अब सीधे सीधे बताओ रतन कहाँ है, वरना वरना क्या? बस बस करो अब। मैं जानती हूँ वो रत्न कहाँ है, लोगों का भविष्य देखती हूँ, खुद किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं बनूंगी। अतुल चलो मेरे साथ। जी। We'll be right back.
जाओ सुकन्या को अपने बाहों में भर ले, उसी को पाने के लिए मेरी माँ की चाकरी कर रहा है ना तू? तू गलत समझ रही है मुझे, मैं सुकन्या से नहीं तुझसे प्यार करती हूँ पगली। मैं तो चोर हूँ ना? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था बस, वो तेरी माँ है ना जबरदस्ती सुकन्या को मेरे गले बांध रही है। तो जल्दी कुछ करना वरना मेरी शादी सुकन्या से करा देगी तेरी माँ। वो देख लूंगी मैं कि क्या करना है। जल्दी देखना, मैं तेरा पति बनने के लिए उतावला हो रहा हूँ। लेकिन मैं जिस आग में जल रही हूँ ना वो तू कभी नहीं समझेगा। मैं बस इतना समझता हूँ कि मेरा दिमाग बहुत गर्म है इस वक्त, थोड़ा ठंडा कर देना। दूर हट और मुझे सोचने दे कि आगे क्या करना है। पर तेरी माँ की कुंडली तेरी कुंडली से ज़्यादा मजबूत है, उसकी दुकान में डेली सैकड़ों कस्टमर आते हैं। हर कुंडली पर राहु केतु का प्रभाव है, अब बस ये देखना है कि वो राहु केतु है कौन। क्या हुआ, माँ ने कोई पहाड़ तोड़ दिया है जो इतनी दुविधा में दिख रही हो? आरती दीदी आप एक बार लतिका की कुंडली देखो ना। क्यों, तुझे अब कस्तूरी माँ पर भरोसा नहीं रहा? आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, कुंडली देखनी है ना, देखती हूँ। क्या हुआ बताइए ना। मैं बाद में बताती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। दीदी बताओ ना बात क्या है। मैंने कहा ना मैं बाद में बताती हूँ। से दुकान पे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे इसलिए हम घर चले गए, तो ये दोनों वहां नहीं थे। तो हम समर के घर गए, वहां ताला था और उसका फोन भी नहीं लग रहा था सर। तब तुम कहां थी? मैं जब घर से निकली तब वो दोनों घर पर ही थे। सर ज्यादा सवाल जवाब करके टाइम खराब मत कीजिए, आप समर को पकड़िए, ये हत्या समर ने की है। हत्या? तूने देखा उसको कत्ल करते हुए? देखने से ज्यादा भरोसा करते हैं अम्मा की भविष्यवाणी पे, और इनकी ही भविष्यवाणी थी कि समर के हाथ तो हत्या होगी। और उसने अपनी बीवी और बेटी का खून कर दिया, ये कोई भविष्य दर्शन की दुकान नहीं है, पुलिस स्टेशन। हाँ सर, पर समर ने पहले भी तो लतिका का अपहरण किया था। ठीक है हम पता करते हैं, आप जाइए। उधर इन दोनों की फोटो सर्कुलेट करवाओ और सुकन्या के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ, और पता करो ये समर कहाँ है, और इन भविष्य बांचने वालों के आसपास भी जरा पूछताछ करो, हो सकता है सुकन्या और लतिका की कोई लीड मिले। सर कस्तूरी का पड़ोसियों ने सुकन्या और लतिका को कल घर से बाहर जाते हुए देखा था, वो दोनों अकेले थे। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से गए थे। सर सुकन्या का फोन 16 जुलाई को शाम 4 बजे प्रताप नगर में बंद हुआ, उसके आधे घंटे पहले उसके फोन से समर को कॉल हुआ था। सर मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, जब सुकन्या का फोन आया था तब मैं ऑफिस में था, वो मुझसे मिलना चाहती थी तो मैंने उसे शाम को घर आने के लिए बोला, पर वो नहीं आई सर। मैंने उसे फोन भी किया, उसका फोन बंद था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकन्या और लतिका तेरे घर आए और उसकी माँ की भविष्यवाणी सच हो गई? सर आप गलत सोच रहे हैं, मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी दुश्मनी उस कस्तूरी से है सर। सर मैंने समर के पड़ोसियों से पूछताछ की लेकिन किसी ने भी वहां पर सुकन्या लतिका को नहीं देखा। हो सकता है समर ने उन्हें मिलने के लिए कहीं बाहर बुलाया होगा। इस समर के बयान को क्रॉस वेरीफाई करो, उधर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुकन्या और लतिका के गायब होने में उसकी माँ और मैनेजर अतुल का हाथ है? हो भी सकता है सर, क्योंकि उस दिन वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने नहीं बल्कि समर पर सुकन्या और लतिका की हत्या का आरोप लगा के गए थे और हवाला दिया भविष्यवाणी का। कस्तूरी आरती और अतुल तीनों की कुंडलियां निकलवा। सर एक मिनट रुकिए आप लोग। अतुल भाई आपको पता है कि सुकन्या लतिका कहाँ है? कस्तूरी माँ क्या कह रही है? अम्मा भी ध्यान पे बैठी है, पर हाँ FIR किया है पुलिस,
ढूंढ रही दोनों को। अरे तुम्हारी कस्तूरी माँ तो इतनी बड़ी भविष्यदर्शी है, तो अब क्या उनकी तीसरी आंख कानी हो गई जो ये बता नहीं पा रही कि उनकी बेटी और नवासिका। तुम्हें क्या लगता है अम्मा हाथ पे हाथ रख के बैठी है? बहुत जल्द पता लगा लेगी दोनों कहाँ हैं। पता लगा लेगी? अरे अगर वो इतनी बड़ी सिद्ध है तो अभी क्यों नहीं बता सकती? तुम भी तो अपने आप को बहुत बड़ी भविष्यदर्शी मानती हो, तुम्ही पता लगा के बता दो दोनों कहाँ हैं। इसे क्या पता, इसे तो सिर्फ अपनी माँ से जलन निकालनी है। आशा भाई आप मेरी विद्या का मजाक मत उड़ाइए, मैं बता रही हूँ आपको। पहले साबित तो करके बताओ कि तुम अम्मा से बड़ी भविष्यदर्शी हो। भविष्यदर्शी ही नहीं, मैं दिव्यदर्शी भी हूँ, और आज मैं बता ही दूंगी कि सुकन्या कहाँ है। सर पिछले 15 साल से कस्तूरी अपनी भविष्य दर्शन की दुकान चला रही है, दूर दूर से लोग उससे अपना भविष्य जानने आते हैं, और सर उसका मैनेजर अतुल पिछले 4 साल से उसके यहाँ नौकरी कर रहा है। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि कस्तूरी की बेटी आरती खुद अपनी माँ की प्रतिद्वंदी है, क्योंकि 3 साल पहले उसने अपनी माँ की दुकान के पास में अपनी टेरो रीडिंग की दुकान खोल ली थी। बोल फिर क्या? ठीक, आरती ने भविष्यवाणी की है कि सुकन्या ओम नगर में है। चलो चल के देखते हैं कि क्या नौटंकी है। देखना मैं बोल रहा हूँ सब झूठ निकलेगा। अरे सच्चा झूठ ये तो ओमनगर जाकर ही पता चलेगा। लतिका, सुकन्या, देखा मैंने कहा था ना सब झूठ निकलेगा। साइड में हटो सामने से। वो सिर्फ मेरा प्रेडिक्शन था, और प्रेडिक्शन करना कोई क्राइम नहीं है। आप बेकार में ही मुझ पर शक कर रहे। बड़ा सटीक प्रेडिक्शन करती है तू। चल बता अगले 1 घंटे में तेरे साथ क्या होगा। मैं बताता हूं, तेरी धुनाई होगी। इंस्पेक्टर अगर बिना सबूत के किसी ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो वकील को फोन करने का मौका भी मिलेगा। मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, और मुझे परेशान करने की बजाय आप ये पता लगाइए कि मेरी बहन को किसने मारा। लतिका कहाँ है? तूने उसे कहीं किडनैप करके रखा है? इंस्पेक्टर आप मुझे क्रिमिनल समझने की गलती कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको जानते हैं तू क्या है। फिलहाल जा सकती हो। इस पर नजर रखो, और ये भी पता लगाओ कि जब ये भविष्य बांच रही थी तो इसकी मां कस्तूरी कहां थी। सर कस्तूरी मां सुकन्या की हत्या कर दी किसी ने। अम्मा आप सुन रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, सर सुकन्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी हत्या इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है, और उसके गले में डायमंड्स मिले हैं सर। डायमंड्स? हाँ सर, किसी ने जबरदस्ती उसके मुंह में डायमंड्स ठूसे हैं, जिसकी वजह से उसका गला अंदर से कट गया है, और उसकी बॉडी पे कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। हत्या का समय 16 तारीख की रात 10 से 12 बजे के बीच। 16 तारीख को 4 बजे सुकन्या का फोन बंद हुआ प्रताप नगर में, और उसकी हत्या हुई रात 10 से 12 के बीच, जबकि हमें उसकी बॉडी अगले दिन 17 तारीख को ओम नगर में मिली। तो फोन बंद होने से हत्या होने के बीच जो 6-7 घंटे हैं उसमें वो कहां थे?
प्रताप नगर या ओम नगर? सर ओम नगर में हमने पूछताछ की लेकिन कोई लीड नहीं मिली। लीड तो ढूंढनी पड़ेगी उधर, उस एरिया में एक सर्च टीम भेजो। उसके साथ उसकी बेटी लतिका भी थी, या तो लतिका को किडनैप करके वहीं कहीं रखा गया है या फिर उसे भी अपनी माँ की तरह मार के कहीं फेंक दिया है। पुलिस को लग रहा था कि सुकन्या जिस अपराध का शिकार हुई उसमें लतिका भी बलि का बकरा बनी, लेकिन अभी तक न लतिका का कुछ पता चल पाया था और ना ही सुकन्या की हत्या करने वाले का कोई पुख्ता सबूत सामने आया। सर 16 तारीख को समर अपने ऑफिस में ही था, कस्तूरी, आरती और अतुल के फोन लोकेशन के हिसाब से वो भी अपनी दुकान में थे। उनकी एलिबाई? सर मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वो सभी लोग दुकान पे थे, और सर उन लोगों का उन पे इतना अंधविश्वास है कि अगर वो काले को भी सफेद कहेंगे तो भी लोग मान लेंगे। मतलब इन भविष्यदर्शियों ने बड़ा ही अचूक षड्यंत्र रचा। लेकिन सर सुकन्या और लतिका का कस्तूरी और आरती से खून का रिश्ता था, फिर वो लोग उनका खून क्यों बहाएंगे? उदय, जो लोग भ्रम फैलाने का धंधा करते हैं वो अपने भ्रम जाल के पताका को लहराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आरती अपनी माँ की कंपटीटर थी, वो ये भी सकता है कि अपनी माँ की प्रसिद्धि छीनने के लिए आरती की ये एक चाल हो। लेकिन सर इसमें कस्तूरी का नजरिया समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब आरती ने सुकन्या की लाश के ठिकाने के बारे में भविष्यवाणी की थी तो हमारे कांस्टेबल ने कस्तूरी को वहां पे नहीं देखा था। उदय, सुकन्या का फोन प्रताप नगर में दोपहर 4 बजे बंद हुआ, जबकि हमें उसकी बॉडी मिली ओम नगर में नेक्स्ट डे। जैसा कि तुमने बताया कि ओम नगर में छानबीन से हमें कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मुझे लगता है प्रताप नगर में इनका कोई ठिकाना है जहाँ पे अपराध को अंजाम दिया गया। ज़रा पता करो कि इनके परिवार का प्रताप नगर से कनेक्शन क्या है, और ये भी पता लगाओ कि सुकन्या ने समर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने के बाद उसे फ़ोन करके उससे मिलने की इच्छा क्यों जताई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रास्ते बार बार बदल रही थी, हर गली नुक्कड़ पे अपराधी तक पहुंचने के सुराग ढूंढे जा रहे थे, और इसी बीच सुकन्या से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई। सर 14 और 15 तारीख को सुकन्या के फोन से इस नंबर पे बात हुई, ये देखिए सर। किसका नंबर है ये? सर ये एक एस्ट्रोलॉजर का है, तो 16 तारीख की सुबह सुकन्या से मिलने भी गई थी। लेके आओ इस एस्ट्रोलॉजर को, जरा पता तो चले इस भ्रमजाल में इसकी क्या भूमिका है। सर कितनी बार पूछेंगे साहब, वो सिर्फ सुकन्या सिर्फ कुंडली दिखाने आई थी। किसकी कुंडली? वो अपने पति की कुंडली दिखाने आई थी, और उसके साथ उसकी बच्ची भी थी, मैंने उसकी भी कुंडली देखी थी। क्या जानना चाहती थी वो? लोगों ने उसे भ्रमित किया था कि उसके पति के द्वारा खून होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी बच्ची की कुंडली खराब थी। मतलब उसकी कुंडली के 8वें स्थान पे बकरी मंगल था, और ये स्थान मृत्यु का होता है। मतलब तू इशारा दे रहा है कि लतिका का भी मर्डर हो गया? मर्डर? फिर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम जानना चाहते हैं कि तू कस्तूरी और आरती का एजेंट है या सुकन्या के पति का एजेंट है। साहब मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो एक छोटा ज्योतिषी हूँ, मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी ना हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा, जा जाके अपनी कुंडली देख, कहीं उसमें जेली उगना लिखा हो। इस पे नजर रखो और जरा कस्तूरी को बुलाओ। सर मैंने जानबूझकर झूठ कहा था सुकन्या से कि समर के हाथों खून होना लिखा है। तो अब तू ये साफ कर रही है कि सुकन्या का कत्ल समर ने नहीं किया, इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया है सर। अभी तो माना अपनी बेटी और दामाद को। मुझे वो समर पसंद नहीं था, कमाता ही कितना था, मेरी बेटी को वो कभी खुश नहीं रख पाता सर। लेकिन सुकन्या समर के साथ ही रहना चाहती थी, जो तुझे गवारा नहीं, इसलिए तेरे हाथों उसका मर्डर हुआ। लतिका का लगता है तुझसे अपना गुनाह कबूल नहीं हो रहा, क्या कुछ याद नहीं आ रहा? बुढ़ापे में च्यवनप्राश खाने की इच्छा है क्या? मजाक कर रहे हैं आप मेरा सर। मजाक तो तू और तेरी बेटी आरती लोगों की भावनाओं का करते हैं, ये कौन से टोने टोटके की प्रतिस्पर्धा लगी है तुम दोनों के बीच? ऐसा कौन सा तंत्र है जिसमें बलि चढ़ने वाले के मुंह में हीरे ठूस दिए जाते हैं? मैंने कोई तंत्र नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा अपनी बेटी को, ये झूठ है। किसको बचाने की कोशिश कर रही है, खुद को या आरती को? तू रोजाना अपने ग्राहकों को मोती, रत्न, हीरे वगैरह सब बेचती है, ऐसा कौन कातिल है जो किसी को मारने के लिए अपने लाखों के हीरे बर्बाद कर देगा? मैंने कुछ नहीं किया सर, बल्कि सुकन्या की हत्या से पहले मेरे कुछ हीरे किसी ने चुरा लिए थे। किसने? मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया सर।
मेरा विश्वास कीजिए। मुझे जाने दीजिए सर, तबीयत ठीक नहीं लग रही। उदय घर छोड़ो। अच्छा नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। अपनी मां कस्तूरी द्वारा पैदा किए गए अंधविश्वास में सुकन्या ने ना सिर्फ अपने पति को छोड़ने की बल्कि एक पिता को उसकी बेटी से दूर करने की भी भूल की और उसकी यही भूल उसकी हत्या की वजह बनी। लेकिन अब लतिका कहां है ये सवाल तब और भी पेचीदा हो गया जब कस्तूरी के अचानक गायब हो जाने की खबर सामने आई। कस्तूरी मां, कस्तूरी मां नहीं मिल रही, पता नहीं कहां चली गई। अच्छा चल बता क्या सेवा करें तेरी मैनेजर साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी अम्मा नहीं मिल रही, प्लीज उनको ढूंढिए, मैं उनके बिना हना तो जाऊंगा सर। उधर जरा देखो इसकी कस्तूरी मां कहीं खोई है या भाग गई। सर कस्तूरी का अचानक गायब होना एक तरफ उसे गुनहगार ठहरा रहा था तो दूसरी तरफ इस गुनाह में आरती की भूमिका पर उठे सवाल भी उभर कर सामने आने लगे। किस्मत खुल गई मेरी, जैसी प्रसिद्धि मां की थी अब वैसी प्रसिद्धि मेरी भी होगी। अब मैं इस शहर की सबसे बड़ी भविष्यदर्शी बनूंगी। वो सब तो ठीक है पर अपने वफादार को भूल मत जाना, तेरी कामयाबी के पीछे मैंने भी बहुत मेहनत की है। तुम मेरे वफादार नहीं, मेरे पार्टनर हो। सर कस्तूरी के लापता होने के बाद आरती ने अपनी दुकान बंद कर दी लेकिन अब वो कस्तूरी की गद्दी पे बैठती है और कस्तूरी के सारे क्लाइंट्स उस पर भरोसा भी करने लगे हैं। और सर कस्तूरी का मैनेजर अतुल दिन रात वहीं पे रहता है, अपने घर भी नहीं जाता। ऐसा करो इस अतुल के घर का ताला तोड़ो, हो सकता है सुकन्या की हत्या वहीं हुई हो। बताइए हीरे किसके हैं? मैं सच कह रहा हूँ सर, ये हीरे मेरे। ये हीरे कस्तूरी के हैं और जानता है सुकन्या के हलक से भी हमें हीरे मिले। बोल क्यों मारा सुकन्या को? तो साहब मेरे भगवान कसम साहब, मैंने बस चोरी किया था, मैंने सुकन्या को मारा नहीं साहब। मतलब तू मानता है कि तूने चोरी की? ये भी मान ले कि आरती के साथ मिलकर तूने सुकन्या का मर्डर भी किया और लतिका और कस्तूरी को ठिकाने भी लगाया। मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की थी साहब, पर मेरी चोरी अम्मा ने पकड़ लिया। आप सीधे सीधे बताओ रतन कहाँ है वरना वरना क्या? बस बस करो अब, मैं जानती हूँ वो रत्न कहाँ है। अतुल चलो मेरे साथ। जी ड्रामा किया रहे तूने अतुल? ड्रामा मतलब समझा नहीं मैं कुछ। मैं जानती हूँ अतुल, वो रथ तूने ही चुरा है, अभी पुलिस को बुला। अम्मा हमसे गलती हो गई, अम्मा हमको माफ कर दो, मत दोबारा गलती नहीं होगी मुझसे। माफी मिलेगी अतुल पर एक शर्त पर। शर्त पे अम्मा कुछ समझा नहीं। सुकन्या से शादी कर ले। तू हमें बेवकूफ समझता है क्या? पहले उसने तेरी चोरी पकड़ी, बाद में एक चोर से अपनी शादीशुदा बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा। क्योंकि अम्मा ने मेरी कुंडली देखी थी और मेरी कुंडली में राजयोग लिखा है, इसलिए वो सुकन्या की शादी मुझसे कराना चाहती थी सर। कहानी अच्छी है लेकिन हम इसमें यकीन नहीं करेंगे। बोल सर, सुकन्या की हत्या और लतिका और कस्तूरी के गायब होने में तेरा क्या हाथ है? मैं सच कह रहा हूँ साहब,
सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस चोरी की थी साहब बस। सर आरती आई है, आपसे मिलना चाहती है। ठीक है। मेरी माँ की कुंडली और माँ की कुंडली में लिखा है कि उनके हाथों से तीन खून होंगे। ये कुंडली दिखा के तुम्हें ये इशारा देने आई है कि सुकन्या और लतिका का मर्डर कस्तूरी ने किया है और वो लापता नहीं फरार है। सर ये कुंडली झूठी नहीं है। हम सिर्फ सबूत फैक्ट्स और लॉजिक पे विश्वास करते हैं। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, मैं चलती हूँ। हमें जो बोलना है वो भी सुन के जा। तेरा पार्टनर लॉकअप में, हड्डियां टूट रही हैं उसकी। जमानत मिलने से पहले वो अपना जुर्म कबूल कर लेगा और ये बोल देगा कि तेरे सारे अपराधों में वो बराबर का भागीदार है। सर ये बॉडी तो काफी डिकम्पोज हो गई है, लेकिन हो सकता है लतिका ही हो। पुलिस का अंदाजा सही साबित हुआ और डीएनए टेस्ट से ये कंफर्म हो गया कि ये बॉडी लतिका की ही थी और वो भी अपनी माँ जितने दर्दनाक अपराध का शिकार हुई। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लतिका की हत्या उसी दिन उसी समय हुई जिस समय सुकन्या की हत्या हुई। मतलब माँ और बेटी एक साथ मारे गए, मतलब इन्हें मारने वाला भी कोई एक ही है। कहीं सर इस मर्डर में कस्तूरी और आरती के बजाय कोई तीसरा तो नहीं? तीसरा कौन? समर। लेकिन वो तो हत्या के टाइम हत्या की जगह पे मौजूद ही नहीं था। और अगर मान लो कि उसने ये मर्डर किसी से करवाया है तो उसे अपनी बेटी और बीवी को मार के क्या मिलेगा? मैंने कस्तूरी के क्लाइंट्स, दोस्त, रिश्तेदार सबकी डिटेल्स निकाली। कस्तूरी की तलाश में आरती से जुड़ा एक राज पता चला सर। कैसा राज? सर कई साल पहले कस्तूरी ने एक आदमी को उसका भविष्य बताया था और उसके बाद उस आदमी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। सर वो आदमी आरती से प्यार करता था, कस्तूरी की भविष्यवाणी उसकी आत्महत्या की वजह बनी। लेकिन सर वो मरा नहीं, कोमा में चला गया और आरती अब भी उसे मिलती है। अमित तुम्हारी ये हालत जिसने की है ना, उससे तुमने बदला ले लिया। आप जैसा सोच रहे, मैंने वैसा कुछ नहीं किया है। तू भूलेगी और हम मान लेंगे। बोल कस्तूरी का या उसे भी सुकन्या और लतिका की तरह मार दिया? मैंने किसी को नहीं मारा है। अमित के कोई रिश्तेदार भी हैं या तू ही सेवा करती है इसकी? इसके फादर हैं जगन्नाथ। मिलने नहीं आए इससे? पता नहीं, मैं उनसे नहीं मिली। कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। बताता हूं इस औरत की वजह से मेरे बेटे को न तो जिंदगी नसीब हुई ना मौत। मुझे एक बार जाने दो, बस एक बार। जब तक इस औरत से बदला नहीं ले लूंगा ना, तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। बस जो पूछूंगा उसका जवाब दे। सिर्फ कब से बंद करके रखा था कस्तूरी को? कुछ दिन पहले से प्रताप नगर में मिली थी मुझे ये,
इस औरत को देखकर मेरे पुराने घाव ताजा हो गए। मैं जबरदस्ती उसे अपने घर ले आया ताकि उसे जिंदगी भर तड़पा सकूं। जिस तरह से मेरा बेटा घुट घुट के मर रहा है ना, उस तरह से तड़पाना चाहता था मैं। वो कस्तूरी को अपना दुश्मन समझता था, लेकिन उसकी बेटी और नवासी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उन्हें क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। आरती भी तेरे साथ मिली हुई है ना? मेरे साथ कोई मिला हुआ नहीं है। मैं सिर्फ इस औरत से बदला लेना चाहता था। मैंने किसी को मारा नहीं है अभी तक। जब तक ये सच ना बोले इसको मारते रहो। मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं मारा किसी को। बता, नहीं मारा मैंने। अगर इसने नहीं मारा तो फिर किसने? जगन ने तो बोला था कस्तूरी को प्रताप नगर से किडनैप किया। कस्तूरी को प्रताप नगर में कहां से किडनैप किया था? भाग! जगन राव के मुताबिक उसने कस्तूरी को यहां से किडनैप किया। आसपास का एरिया खंगालते हैं। हाँ साहब, इस औरत को तो मैंने कई बार देखा है यहाँ पे। बाजू वाली गली में खोली है, वहाँ पे ये अजीब अजीब सी पूजा करती रहती है। आती जाती तो बहुत बार है, पर बात नहीं करती किससे। तूने उसका घर देखा है? हाँ साहब, चलिए दिखा दो। तोड़ दो। सतर्क। सर ये देखे खून के निशान। फोरेंसिक जांच से साफ हो गया कि ये ब्लड ट्रेसेस सुकन्या के थे। बस देरी थी इस राज के बेपर्दा होने की कि उनकी हत्या आखिर किसने और क्यों की। बोल क्यों किया ये सब? मेरे कुंडली में लिखा था मेरे हाथों से 3 हत्याएं होंगी, इसलिए मैं आग, चाकू और ऐसी सारी चीजों से दूर रहती थी जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। मैंने अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दिलाने के लिए उन लड़कों से भी दूर रखा जिनके साथ उनका कोई भविष्य नहीं था। मैंने अमित को कहा कि अगर वो आरती से शादी करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। उसने जीने की बजाय मरना स्वीकार किया। इस बात को लेकर आरती ने मुझे कभी माफ नहीं किया और सुकन्या को भी मेरी झूठी भविष्यवाणी के बारे में पता चल गया था। सर बंद करो ये ढोंग, सब पता है मुझे। समझ से अलग करने के लिए साजिश कर रही है ना, ताकि मेरा हाथ अपने चमचे के हाथ में दे सके। तू चुप कर सुकन्या, मैं और लतिका समर के पास जा रहे हैं। तू कहीं नहीं जाएगी समझी? चल अंदर। जाऊंगी आप चल अंदर, छोड़िए ना अंदर चल। अगर तूने उन्हें वहां बंद किया था, उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों फाइल की? लतिका और सुकन्या को घर पर ना पाकर आरती उनकी फिक्र करने लगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे बताऊं कि उसकी तरह सुकन्या भी मुझसे नफरत करने लगी है। लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के बाद मैं सुकन्या को फिर से समझाने गई थी। क्या सोचती हैं आप, मुझे ऐसे बंद करके रखेंगी तो मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? तू समर के पास नहीं जाएगी, तू उसे तलाक देगी और अतुल से शादी करेगी, समझी? सुकन्या क्या करी तू? सुकन्या छोड़ छोड़ सुकन्या 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 मम्मी मम्मी नानी मौत कर दो, मैं बता दूंगी मम्मी। सुकन्या उठ ना बेटा, सुकन्या सुकन्या। लतिका लतिका। और फिर तूने लाशों को ठिकाने लगा दिया? किसने साथ दिया तेरा? अतुल ने? नहीं, पर आरती ने मुझे देख लिया था। मैं माँ को फंसाना नहीं चाहती थी, इसलिए लाश को ठिकाने लगाने में मैंने उनकी मदद की। मेरे हाथ तो 3 खून लिखे थे सर, 2 हो चुके और अब तीसरा होगा। तूने और तेरी बेटी ने मिलकर बहुतों को बेवकूफ बनाया, अब उसकी सजा तुम जिंदगी भर जेल में काटोगे। कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है और शब्द शस्त्र से ज्यादा पैने।
हमारा आज का ये एपिसोड किसी की आस्था या विश्वास के बारे में नहीं था और ना ही हमारा उद्देश्य उसकी निंदा या समर्थन करना था। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कभी कभी अपराध का कारण बन सकते हैं। कस्तूरी के झूठे शब्दों ने अमित को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। सुकन्या ने अपनी जिंदगी और अपनी शादी दोनों को तबाह कर लिया और कस्तूरी के शब्दों ने खुद उसके दिमाग पर इतना बुरा असर कर दिया कि उसके हाथों दो दो खून हो गए। इसलिए बेहद जरूरी है कि कुछ भी बोलने से पहले विचार कर लिया जाए कि मुंह से बोले गए शब्द कहीं किसी हिंसा या अपराध का कारण तो नहीं बन रहे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।